और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी कोरोना संक्रमण के मामलों की। एक दिन में बढ़ने वाले कोरोना के मामलों की रफ्तार काफी तेज हो गई है। 24 घंटे में देश में 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और इसके साथ ही देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 2,97,000 के पार जा पहुंचा है। वहीं मौत की बात करें तो देश में कोरोना से कुल 8,498 लोगों की जान गई है। 24 घंटे में मरने वालों का आंकड़ा 396 है। 24 घंटे में ठीक होने वाली की संख्या 6,166 है। महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो कुल मामले 97,648, ठीक होने वालों की संख्या 46,078। वहीं मौत का आंकड़ा लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। दिल्ली भी पीछे नहीं है, 34,687 मामले, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 12,731। वहीं मौत का आंकड़ा दिल्ली में अब 1,085 तक पहुंच चुका है। अनीशा माथुर हमारी संवाददाता है, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं। अनीशा, एक तरफ ये कहा जा रहा है कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में लगातार तेजी से आंकड़ों की संख्या बढ़ रही है और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है, क्या है सच? देखिए नेहा, सच तो यही है कि जब से लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया है, जब से ऑफिस खुले हैं, मार्केटें खुली हैं, लोग बाहर निकले हैं, ट्रैफिक वापस आया है, माइग्रेंट लेबर ने की भागदौड़ शुरू हुई है, तब से केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और पिछले 24 घंटे के अगर आप आंकड़े देखें तो 10,956 केस जो है, 10,956 केस एक दिन में पूरे देश में देखे गए हैं। और ये अगर आप नंबरों पे, आंकड़ों पे ही अगर नजर डालें तो अगर आप आरोग्य सेतु ऐप में जिस तरह जो हमारे पास मैपिंग आती है, जो मैपिंग हो रही है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, अगर उसी को अगर आप देखें तो साफ तौर पे जाहिर है कि May 3 जब अनलॉक 3.0 शुरू हुआ था, जब सरकारी ऑफिसेस खोल दिए गए थे, शराब के ठेके खोल दिए गए थे, लोगों की आवाजाही शुरू कर दी गई थी, तब से लगातार शार्प राइज चला जा रहा है और लोगों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि संक्रमण लगातार फैल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अनीशा माथुर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी दे रही थी बढ़ते आंकड़ों के बारे में, किस तरीके से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात कर लें तो चौथे नंबर पर इस वक्त भारत है, 2,97,535 मामले यहां पर, जबकि टॉप पर अमेरिका है, यहां पर करीब 20,89,701 मामले हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, रूस का स्थान तीसरे नंबर पर है, वहीं भारत इस वक्त चौथे नंबर पर है पूरी दुनिया के लिहाज से। और एक बार फिर बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि यहां पर कोरोना के नए मामले रोजाना पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और ये वो आंकड़े हैं जो चिंता बढ़ाते हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 152 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 3000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। कल के दिन में महाराष्ट्र में 3,607 नए केसेस सामने आए हैं और 152 डेथ्स रिपोर्ट हुई है। ये महाराष्ट्र के लिए भी एक दिन में कोविड-19 का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है, जिसके बाद महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो तकरीबन 48,000 तक हो चली है। वहीं पर मुंबई की अगर आप बात करें तो इन 152 मौतों में से 97 जो मौतें हैं कोविड के चलते वो मुंबई में रिपोर्ट की गई है और मुंबई में जो एक्टिव केसेस हैं उसका आंकड़ा तकरीबन 27,900 तक हो चुका है। तो अनलॉक हो चुका है लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में जो कर्व है वो ऊपर ही तरफ जा रहा है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।